हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री कक्षा 12 का अध्याय 8 है, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का अगले रिमेनिंग पोर्शन। तो कल हमने इस वीडियो में एल्डिहाइडों को बनाने की विधियां पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे कीटोन बनाने की विधियां। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कीटोन के विरचन की विधियां। कीटोनों के विरचन की विधियां, ऐसी विधियां जिनमें के द्वारा हम केवल कीटोनों का ही विरचन कर पाते हैं, बना पाते हैं, वहां वो वाली विधियां हमें इस वीडियो में पढ़नी है। तो यहां पर सबसे पहली विधि है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल परीक्षा में पूछा ही जाता है, पहली अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा। किस तरह से फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा कीटोन का विरचन किया जाता है? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जब बेंजीन, यहां पर यह बेंजीन है, बेंजीन का यहां पर एक मैंने हाइड्रोजन शो कर दिया है, वैसे तो सभी कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन होते ही होते हैं। तो जब इसकी क्रिया हम अम्ल क्लोराइड RCOCl के साथ कराएं तब हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए आवश्यक है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति का। तो यहां पर कोई भी अभिक्रिया हुई उसमें चाहे हम अम्ल क्लोराइड से कराएं या किसी अन्य जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड हुआ, तो जब हम क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तब उस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, चाहे इधर हो किसी के साथ भी। तो क्या बनेगा? यहां से ये क्या होगा? क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे? यहां से बेंजीन ऐसा का ऐसा ही ये, और ये जो हाइड्रोजन है ये तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया और ये इसने हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, ये तो बाहर आ गया। यहां पर क्या होगा? जो CO है ये इससे आकर के जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? COR। तो यहां पर ये हो गया हमारा कीटोन और ये क्या था? बेंजीन। तो इस अभिक्रिया द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा हम इस तरह से कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। अगली अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा किस तरह से करते हैं? तो जब हम एल्किल साइनाइड या फिर एल्किल एल्केल नाइट्राइल, तो यहां पर इसका फॉर्मूला जैसे CH3CN, ये एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्किल साइनाइड है। जब इसकी क्रिया हम C6H5MgBr इससे कराते हैं, ये क्या है? एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये एल्किल साइनाइड। तो जब हम एल्किल साइनाइड की ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहां से क्या मिलेगा? ये क्या होगा? एन, यहां पर CH3 तो ऐसा का ऐसा ही, और ये C,
ऐसा कैसे? एक तरफ ये बॉन्ड टूटेगा और यहां से N क्या करेगा, इसके Mg और Br वाले पार्ट से आकर के जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड से N और N जुड़ जाएगा Mg Br से। दूसरी तरफ कार्बन से ये C6H5 यानी फेनिल समूह जुड़ जाएगा। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3C और ये O और यहां पर C6H5, ये हमें कीटोन प्राप्त हो गया। तो हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों द्वारा एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन, इनके रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो यहां पर एल्डिहाइड, कीटोन, ये बहुत तरह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, जैसे योगात्मक, विस्थापन। तो इनमें से हम बारी बारी से उन सभी अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो इनमें से पहली जो अभिक्रिया है ए पार्ट, कौन सी है? योगात्मक अभिक्रियाएं। तो पहले भाग में हम आज इनके रासायनिक गुणधर्मों में योगात्मक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया देखते हैं। तो एल्डिहाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो RCHO, इस तरह से ये एल्डिहाइड हो गया। इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ में? HCN के साथ में। तो हमें क्या होगा, योगात्मक अभिक्रियाएं इस तरह की अभिक्रियाएं हैं जिनमें हमें इनका योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो। तो क्या होगा, HCN इस एल्डिहाइड में आकर के जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो यहां पर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करके ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इसी तरह से यहां पर हाइड्रोजन और साइनाइड के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन के बीच में प्लस चार्ज और यहां पर साइनाइड पर माइनस चार्ज। तो क्या होगा, प्लस वाला पार्ट माइनस पर जाकर के अटैच हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट प्लस वाले पार्ट पर जाकर के अटैच हो जाएगा। तो क्या बनेगा, R C और H। ये तो ऐसा का ऐसा ही, एक तरफ O है ऐसा का ऐसा ही, ये माइनस वाला पार्ट किससे जाके अटैच होगा, प्लस वाले से। तो यहां बन गया ये OH। साथ ही साथ जो माइनस वाला है ये प्लस पर अट्रैक्ट होगा और यहां पर साइनाइड आकर के अटैच हो जाएगा। तो ये एक योगात्मक उत्पाद बन गया। तो जो हमें यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया करने पर योगात्मक उत्पाद मिलता है, इसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। इसी तरह से जब हम कीटोन की अभिक्रिया कराएं, R C डबल बॉन्ड O और यहां पर R, ये क्या है, कीटोन का जनरल फार्मूला। तो यहां पर जब कीटोन अभिक्रिया करेगा HCN के साथ तो भी यही अभिक्रिया होती है, बस क्या है, यहां पर हाइड्रोजन के स्थान पर R लगा हुआ है। तो अभिक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी, क्या बनेगा, R C यहां पर O और H, O से अटैच हो जाएगा H और इधर R है ये ऐसा का ऐसा ही, और इधर कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा साइनाइड। तो ये भी क्या रहेगा, साइनोहाइड्रिन, इसका नाम भी साइनोहाइड्रिन। अब इनमें फिर अंतर क्या है, तो दोनों ही साइनोहाइड्रिन। तब
इनको समझने के लिए जब एल्डिहाइड से साइनोहाइड्रेट बनता है तब इसे हम लिख लेते हैं ये एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन है, और जब कीटोन से बना है तो इसे लिख लेते हैं कीटोन साइनोहाइड्रिन है। तो यहां पर एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट और कीटोन साइनोहाइड्रिन, और इनको नॉर्मली हम साइनोहाइड्रिन ही बोलते हैं, तो केवल साइनोहाइड्रिन लिखा रहने देंगे तब भी ये ठीक है। अगली अभिक्रिया है सेकेंड, सोडियम वाई सल्फाइट, या इसका फुल नेम और दूसरा जो नेम है वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। इसके साथ भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही योगात्मक अभिक्रियाएं ही प्रदर्शित करते हैं। कैसे देखते हैं, आर सी ओ एच इस किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम बाई सल्फाइट के साथ। तो यहां पर ये क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर मैं तोड़कर लिखूं तो इसे ऐसे एन ए और एच और इसे एस ओ थ्री एन ए इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन से क्या होगा, ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, आर सी, यहां पर ओ है और इधर एच, ऐसा का ऐसा ही। तो यहां पर क्या आकर लगे जाएगा, ओ के साथ में एच, तो ये एच हो गया बॉन्ड, ये डबल है ये टूट जाएगा सिंगल रह जाएगा, और कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा ये एसओ थ्री एन ए, एसओ थ्री एन ए। तो ये क्या बन गया, यहां पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड से हमने प्राप्त किया है, क्या प्राप्त किया है, सोडियम सल्फाइड। तो इसका पूरा नेम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड एल्डिहाइड, सोडियम सल्फाइड। इसी तरह से अगर ये कीटोन के साथ अभिक्रिया करें तो कीटोन के साथ भी सेम अभिक्रिया होती है, आर सी ओ आर एन ए एच सी एच एस ओ थ्री, सोडियम बाई सल्फाइड। तो क्या बनेगा यहां पर, सॉरी इसका नेम सोडियम बाई सल्फाइड होता है, सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड ही बनता है। और इससे क्या बनेगा, आर सी, यहां पर सी से क्या जुड़ जाएगा, एसओ थ्री और एन ए, तो यहां पर एसओ थ्री एन ए, यहां पर केवल क्या है, ओ है, ओ के साथ जुड़ जाएगा एच और इधर आर। तो इसको ये क्या था, कीटोन। तो यहां पर कीटोन का सोडियम बाई सल्फाइड का लवण बनेगा, तो ये कीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड। अगली अभिक्रिया है थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए भी क्योंकि यहां पर जो अगली अभिक्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से अभिक्रिया। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इस अभिक्रिया में एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। जब हम एल्डिहाइडों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो
ये अल्कोहल बनाने की विधि भी है, तो इसलिए भी ये अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है, जब फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCOH, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसकी क्रिया हम किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे RCRMgRH, ये जनरल फार्मूला होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो जब हमने फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करानी है तो क्या होगा, यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये इस भाग से आकर के अटैच हो जाएगा, MgX यहां पर आकर के अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, HCO और यहां पर MgX, ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस भाग पर प्लस चार्ज रहेगा, इस पर माइनस चार्ज, तो ये कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज, तो यहां पर ये माइनस चार्ज और इस वाले भाग पर कैसा रहेगा, प्लस चार्ज, तो प्लस वाला माइनस से जाकर के अटैच हो जाएगा और यहां पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, ये ऐसा का ऐसा ही, और कार्बन पर है प्लस चार्ज तो इससे आकर के माइनस वाला भाग यानी आर आकर के जुड़ जाएगा। जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन ये इतना, इसके साथ क्या जुड़ जाता है, ये H, H C O, O के साथ क्या जुड़ जाता है यहां पर H, और ये H ऐसा का ऐसा ही और ये R, तो यहां पर ये हमें क्या मिल गया, RCH2OH, जो किस तरह के अल्कोहल हैं, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्यों, क्योंकि यहां पर जो अल्कोहल समूह है वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो केवल एक कार्बन परमाणु से या एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं, और जब इससे अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। साथ ही साथ जो एमजी है ये क्या करेगा, एमजी OH और X मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड का निर्माण करता है। ठीक इसी तरह से जब हम एल्डिहाइड, उच्च एल्डिहाइड जैसे R C O और H इसकी क्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा, R, R यहां पर पहले से ही है तो इसको मैं R डैश लिख ले रहा हूं, R डैश MgX इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर R C O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgX, MgX और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और यहां पर R डैश। जब इसका जल अपघटन होगा तो क्या होगा, यहां से ये और ये पार्ट अलग होकर के OH के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या मिलेगा, R यहां से C ऐसा का ऐसा ही, H ऐसा का ऐसा ही, इधर R डैश ऐसा का ऐसा ही, O के साथ केवल H आकर के अटैच हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें यहां पर, साथ ही साथ Mg और OHX मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, OH और हैलाइड। तो यहां पर ये किस तरह का अल्कोहल है, ये अल्कोहल समूह ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो दो एल्किल समूहों से जुड़ा हुआ है या दो कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तब ऐसे कार्बन परमाणु को हम बोलते हैं द्वितीयक कार्बन परमाणु। तो जब ये द्वितीयक कार्बन परमाणु से अल्कोहल समूह जुड़ा होता है तब हम ऐसे अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। तो यहां पर
जब हम फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें प्राथमिक अल्कोहल बनता है, और जब हम उच्च एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से अब अगर हम कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएं तो कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR-, और यहां पर इसको अलग दर्शाने के लिए R-MgX। जब इसकी क्रिया होगी तो क्या मिलेगा, यहां से RC, और यहां पर ये R- इस कार्बन से आकर के क्या जुड़ेगा, ये O पहले से जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ जाएगा MgX, और इधर R-। जब इसका जल अपघटन होगा HOH से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहां से RC, ये R-, यहां पर R-, यहां पर O, और इसके साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, और ये MgOHX, ये अलग हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी और हैलाइड, कोई भी यहां पर हैलाइड हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यहां पर इस तरह का। तो यहां पर जो ये कार्बन एटम है ये क्या है, अलग अलग या एक समान एल्किल समूहों से यानी कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे कार्बन को हम तृतीयक कार्बन परमाणु कहते हैं। और जब अल्कोहल तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे अल्कोहल को हम तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर एल्डिहाइड हैं वो क्या करते हैं, प्राथमिक या फिर द्वितीयक अल्कोहलों का निर्माण करते हैं, जबकि कीटोन हैं ये तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं, कब, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करने के बाद।